सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ बिज्जू मेहता। एंड आप लोग सोच रहे होगे ये वीडियो हम लोग डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट कैसे कर रहे हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो वीडियो हमने पिछले हफ्ते शूट किया था अपने चेस्ट से वर्कआउट सेशन पे, जहाँ पे हमने कुछ खास परफॉर्म अच्छा नहीं किया था। और जैसे तुम्हें पता है कि मैं अपने सारे वर्कआउट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज अ प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। सो सेम ये क्लिप पे हमने 100 kg अपने बार पे लगाया है, जिसपे हमने टोटल 5 रैप्स तो निकले थे, हमने निकाले थे उस वर्कआउट पे, लेकिन कुछ खास नहीं आए थे क्योंकि मेरा जो बैलेंस बिल्कुल भी सही से नहीं बना था रॉड पे। जैसे तैसे करके मैंने 5 रैप तो निकाल लिए, वो चेक कर लो। पर आज हमने कुछ बेहतर परफॉर्म किया है इस हफ्ते, वो देखेंगे। सही से परफॉर्म करने का मेन कारण ये भी हो सकता है क्योंकि जो मेरा टॉप सेट था 100 kg का, ये मेरा तीसरा या चौथा राउंड था, क्योंकि उससे पहले मैंने 80, 90, 95 kg इससे पहले वाले रैप निकाले हुए थे। हो सकता है कि 100 kg मैंने प्रॉपर रेस्ट ना लिया हो और जिस कारण से मेरे को ये 5 रैप भी काफ़ी दिक्कत दे रहे थे। सो बाकी अब हम जो भी चेक करेंगे मंडे को अगले हफ्ते दोबारा से 100 kg चेक करेंगे और उस पर हम कैसा परफॉर्म करते हैं वहाँ पर देखेंगे। हाय गाइस, वेलकम। आज 15 अप्रैल 2024 चेस्ट का हमारा वर्कआउट सेशन है। काफ़ी दिनों से हम लोग ना 100 kg में मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रैप्स हो नहीं रहे, तो आज फिर से एक बार ट्राई करते हैं चेस्ट डे में 100 kg। वेट एंड वॉच। बाकी मैं तुम्हें बता दूं कि ये हमारा टॉप सेट रहेगा 100 kg का। हम इससे ऊपर भी पुश कर सकते हैं लेकिन हमारा जो गोल है आज 100 kg का ही है, तो हम इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं। जहाँ पे इससे पहले हमने 2-3 सेट और मारे हैं 80 और 90 के और 70 के, बाकी हमारा लास्ट सेट है। बाकी इस सेट को परफॉर्म करने से पहले मैंने अच्छे से प्रॉपर रेस्ट लिया है और रेस्ट लेने के बाद पहले सेट में मैंने इसको लिफ्ट कराने की कोशिश करी है ताकि प्रॉपर मैं उसे बैलेंस कर पाऊँ। और साथ ही साथ मैंने अपने पीछे एक सपोर्टर को इसलिए रखा है ताकि अगर बीच में कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरी हेल्प कर सके और इंजरी होने से मैं उसे बच सकूं। बाकी जितना मुझे लगा कि इस वाले रैप में मैंने कम से कम इस सेट पे मैंने कम से कम 8 रैप तो निकाले, जिसमें से मेरे 7 खुद के और 1 सपोर्ट लेके लिफ्ट मतलब होल्ड करने के, टोटल 8 रैप निकले, काफ़ी अच्छे थे। तो बेसिकली हमने अपना पूरा वर्कआउट ख़त्म कर दिया है, करीब करीब 8 बज चुका है और हम लोग ने काफ़ी अच्छा चेस्ट पे प्रोग्रेस किया है। बाकी हम लोग अब इसी तरह से अपनी बैक की वर्कआउट की प्रोग्रेस और इस वीक पे हम लोग कितना पुश कर सकते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग 105 kg तक जाएं या फिर 110 kg तक हम लोग पुश करेंगे इस वीक। बाकी अगर हम इस हफ्ते 110 कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा है। बाकी फर्दर मोर वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।